में सर 16 में सर बटन नहीं है आपके कैमरा में सर, देखो बटन देखो जूम भी करता है। तो आज ही जाओ आईफोन 16 प्रो मैक्स लो, बुक करो जाके, जो कमाया सारा देख रहा हो। आपका हैप्पी एप्पल डे तो हो गया, अगर आपने इस खोपड़ी को यूज नहीं किया ना आपकी चट्टी तक लूट के लेके चले। लीगली लूटते हैं, अभी आईफोन 16 निकल गया है। बिजनेस मैन से तगड़ा साइकोलॉजिस्ट, चीजें होती है आई नीड एंड आई वॉन्ट, जरूरत नहीं थी पर खरीद ली, भूख नहीं लगी लेकिन आपने पिज्जा मंगा लिया, अरे खा लेते हैं। वो अमीर वो नहीं है जिसकी कमाई $10,000 और खर्चा 9,000। मेरी सारी YouTube वीडियोस इसी आईफोन का। मैं लोग होमलेस क्यों जाते हैं, इतनी अमीर कंट्री है। वेल्दी पीपल 1% रूल। वेलकम बैक कबड्डी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एक भाई ने लिखा कि सर 12 साल से अमेरिका में रह रहा हूं लेकिन एक पैनी सेव नहीं हो पाई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। काफी लोग ये कमेंट लिखते हैं कि सर अमेरिका इतनी अमीर कंट्री है फिर भी लोग गरीब के गरीब। और एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा कि सर आपकी जैसी वीडियो और कहीं नहीं मिलती। अच्छा लगा यार ये कमेंट देखकर। पर आज बात करेंगे कि भाई अमेरिका जैसे देश में जहाँ पर इतना पैसा लोग कमाते हैं फिर भी लोग ब्रोक क्यों हैं, लोग गरीब के गरीब क्यों हैं, लोग घर अफोर्ड नहीं कर पाते, अपना कार लोन तक पे ऑफ नहीं कर पाते, क्रेडिट कार्ड के लोन इतने ज्यादा हैं कि उनकी चमड़ी छील दे रहे हैं जो यहाँ पर वो इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है। पैसा तो कमा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं लेकिन बच कुछ नहीं रहा। तो करते हैं इस पे आज बात। अमेरिका में 78% जनता पे चेक टू पे चेक जिंदगी बिता रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, www.forbes.com पे जाकर पढ़ लो। एक सर्वे कंडक्ट हुआ था 2023 में बाय payroll.org, उसमें ये पता लगा कि 78% अमेरिकन्स बचत नहीं कर पाते जब अपने एक्सपेंस पे कर देते हैं, घर का पेमेंट, कार की पेमेंट, क्रेडिट कार्ड लोन्स, उनको कुछ बचत हो ही नहीं पाती कि वो सेविंग्स कर सकें या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाए। इन भाई ने लिखा कि सर मैं 12 साल से अमेरिका में रह रहा हूं और एक भी पैनी सेव नहीं हो पाई है। तो भाई आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, आप अकेले नहीं हो। 78% जनता अमेरिका की सेम लाइफ जी रही, सेविंग नहीं हो पा रही। अब इसका क्या रीजन है, इसका एक ही रीजन है, यू आर लिविंग अमंग द स्मार्टेस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट अर्थ। यहाँ पे कोई भी काम इलीगल नहीं होता, अमेरिका में कुछ भी इलीगल नहीं होता। अगर आपको कोई लूटेगा ना, लीगली लूटते हैं। अभी आईफोन 16 निकल गया है, सिर्फ एक कैमरा बटन देकर वो आपको ये जतलाते हैं कि भाई आपके पास ये नहीं, आ जाओ ले लो। और उसी में यहाँ की जनता फंसी है, यहाँ के जो बिजनेसमैन है। मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेसमैन से तगड़ा साइकोलॉजिस्ट इस दुनिया में नहीं पाया जाता। और किस तरह से वो आपका पैसा आपकी जेब से लेकर चले जाते हैं आम बंदे को समझ में नहीं आता। वो आईफोन गलत नहीं है ना, ना ना, आईफोन ब्रांड बहुत तगड़ा है। इवन मैं जिससे वीडियो बना रहा हूँ ये भी आईफोन का ही वीडियो है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक आईफोन अगर 5 साल तक अच्छे तरीके से चल सकता है तो आपको हर साल नया आईफोन लेने की जरूरत क्यों है। तो ये दो चीजें होती हैं, आई नीड एंड आई वॉन्ट। जिस दिन इन दोनों चीजों में आपको फर्क समझ में आ जाएगा आपकी सेविंग्स होना शुरू हो जाए। जब आपको भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए आपकी बॉडी के लिए, यू नीड फूड, आपको जरूरत है भाई, इसके बिना जिंदगी नहीं जी पाओगे ना। पर अगर मैं बोलूं आपको भूख नहीं लगी लेकिन आपने पिज्जा मंगा लिया, अरे खा लेते हैं, तो वो आपका आई वॉन्ट था, आई वॉन्ट पिज्जा, जरूरत नहीं थी पर फिर भी पिज्जा खा लेते हैं। वैसा ही कुछ आपके बैंक बैलेंस के साथ होता है, कुछ चीजें आप जरूरत नहीं थी पर खरीद ली और वो पड़ी रहती हैं वैसी की वैसी, सिर्फ मुनाफा होता है तो बिजनेसमैन। और मेरे पास आईफोन SE है, सबसे लोअर वेरिएंट, और 2 साल से यूज कर रहा हूँ, मजेदार एक्सपीरियंस, वैल्यू फॉर मनी। मैं चाहूँ तो आज आके आईफोन 16 ले सकता हूँ लेकिन भाई मुझे 78% जनता में नहीं आना, मैं क्यों लूँ, मेरा वॉन्ट है, आई डोंट नीड दैट। मेरी सारी यूट्यूब वीडियोज इसी आईफोन SE ने बनाकर दी है, वैल्यू फॉर मनी। ऐसे ही आपको डिफरेंशिएट करना है कि भाई आपका नीड क्या है और आपका आई वॉन्ट क्या है। ये सिर्फ मैंने छोटी सी एग्जाम्पल दी है आईफोन से लेकर, सोचो बाकी कितने ब्रांड्स हैं अमेरिका में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेसमैन कैसे लीगली लूटता है, सिर्फ इतना जतलाता है। अभी आईफोन में सर 16 में सर बटन नहीं है आपके कैमरा में, सर देखो बटन देखो जूम भी करता है, अरे ले लो।
और जनता हमारी बेचारी, उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये वाला फीचर मेरे फ़ोन में नहीं है। तो आपको मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, इतने लोग आईफोन 14, 15 यूज़ कर रहे हैं, भाई अगर आप आईफोन 16 ले रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ बंदा कोई नहीं। अगर आपको पेचेक टू पेचेक ज़िंदगी बितानी है, अपना बैंक बैलेंस नहीं बनाना है, तो आज ही जाओ आईफोन 16 प्रो मैक्स लो, बुक करो जाके, जो कमाया सारा देख रहा हो। तो भाई आप अमेरिका में ना स्मार्ट लोगों के बीच में रह रहे हो, आप कितनी मेहनत करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी दिहाड़ी कर ली कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने इस खोपड़ी को यूज नहीं किया ना, आपकी चट्टी तक लूट के लेके चलेंगे, पता नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे अभी बात यहाँ पे खत्म थोड़ी हुई है, अभी फॉर एग्जाम्पल आप आईफोन लेने चले गए, आपका मूड बन गया, अभी वहां पे जाकर आपने आईफोन की पेमेंट तो करनी है, प्लस वो आपको इंश्योरेंस भी बेचते हैं। सर आपका फोन अगर गिर गया, इंश्योरेंस ले लो। अरे सर सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास, आप ये भी ले सकते हो। अब उसके बाद यहाँ बात खत्म नहीं हुई, एयरपॉड्स भी नए आया है ना यार, वो भी ले लो। और भी काफी ज्यादा एक्सेसरीज आपको देंगे, सर ये कवर भी आया है इसका, आपका कवर, इंश्योरेंस लेने के बाद कवर भी बेच रहे हैं। अभी मैं और बताता हूँ, अब ये सब आपका हैप्पी एप्पल डे तो हो गया, ठीक है। अब आपको बोलेंगे कि पेमेंट आप सर क्रेडिट कार्ड से करोगे कि डेबिट कार्ड से, अब बंदा बोलता है क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, 1% का कैश बैक मिलेगा। बंदे ने कर दी, सब कुछ हो गया, आपका हैप्पी एप्पल डे हो गया, घर आ गए। अब जब आपने अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस कर दी, तो जो 1% का कैशबैक मिल रहा था, अब वो आपको 20% भरना पड़ेगा। आपने सुना ही होगा ना, अमेरिका इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्मार्ट पीपल। अगर गधे हो ना, तुम्हें छील लिया जाएगा यहाँ पे। वो अमीर वो नहीं है जिसकी कमाई $10,000 और खर्चा 9,000, अमीर वो है जिसकी कमाई $10,000 खर्चा सिर्फ 2,000। आपको अपना कैश फ्लो, एक बिजनेसमैन होता है ना वो अपनी बैलेंस शीट हमेशा चेक करते हैं कि भाई कितना रेवेन्यू आया, कितने एक्सपेंसेस थे, कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे मुझे अगली बार ये गलती नहीं करनी है। तो एक आम आदमी जब उसको सैलरी मिलती है, वो क्यों नहीं देखता कि भाई कहाँ गई, कितना खर्चा था और कितनी बचत है, और अगर जो बचत हुई है अब उसको किधर लगाना है। वेल्दी पीपल 1% रूल, ये मैं खुद भाई सीखा, स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया कि भाई ऐसा करते हैं जो वेल्दी लोग हैं, किस तरह से अपनी मनी को मैनेज करनी है। और आप बोलोगे सर आपको इतनी सारी नॉलेज कैसे है यार, क्योंकि मैं अड्डे पे जाके सुट्टा नहीं फूकता, दारू नहीं पीता, मैं ऐसे मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स को सुनता हूँ, भाई उन्होंने क्या किया। एक फेज था उनका भी, गरीब थे, ब्रोक थे, पर वो आज मल्टी मिलियनर हैं, बिलियनर्स हैं। ऐसे लोगों को सुनो, इनका एक रूल है 1% रूल, जिसमें अगर आपको एक हफ्ते में, अमेरिका में हफ्ते से हफ्ते पेचेक आ जाता है, अगर आपने एक हफ्ते में $1,000 कमाया है, तो इनका जो 1% रूल कहता है 75% मैक्सिमम एक्सपेंस कर सकते हो आप, 15% इन्वेस्टमेंट करनी है और 10% सेविंग करनी है। आपके जो एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल एक हफ्ते में आपने $1,000 कमाया, तो मैक्सिमम एक्सपेंस जो आपका हो सकता है वो है $750, $750। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो है 15%, मतलब $150 तो इन्वेस्टमेंट करनी करनी, और मिनिमम सेविंग जो है $100, 10%, $100 आपको सेविंग करना ही करना है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट मिनिमम है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेंस है वो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं करना। एक्सपेंस जो है आपका $750 से ज़्यादा नहीं करना, ये है 75-15-10 रूल। ऐसे लोगों को सुनो अगर आपको ब्रोक नहीं रहना। एक्सपेंस में क्या क्या आता है, आपका घर का खर्चा, कार का खर्चा, ग्रॉसरी, कपड़े लेने हैं, ब्रांडेड सामान लेना है, आईफोन लेना है, स्टारबक्स कॉफ़ी पीनी है, ये सभी खर्चा मिलाकर अगर आप एक हफ्ते में $1,000 कमा रहे हो, तो आप $750 से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते। अगर करोगे तो पिटोगे, रोना निकल जाएगा तुम्हारा। अमेरिका में लोग होमलेस क्यों जाते हैं, इतनी अमीर कंट्री है, अबे बचत ही नहीं है उनको, जितना चेक आया उतना चला गया। इसीलिए जब भी आपको पेचेक मिले 10% सेव करना ही करना, ये मिनिमम है, मैक्सिमम जितना मर्जी करो आपकी मर्जी, पर मिनिमम 10% अगर $1,000 कमाया है एक हफ्ते में, तो $100 सेविंग बैंक्स में डालना ही डालना है। अच्छा 15%, अब उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, मिनिमम है, मिनिमम 15% इन्वेस्टमेंट करनी है, मैक्सिमम जितनी मर्जी कर लो आपकी मर्जी। जितने भी लोग बिजनेस ओपन करते हैं, अभी पैसा कहाँ से आएगा, आपको कभी ना कभी तो अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकालना है, तो क्यों ना आप 15% हमेशा निकाल के रखो,
या आप उसको स्टॉक्स में डालो या अपने बिजनेस में डालो, ताकि वो मनी, बोलते ना पैसे को पैसा कमाता है, तो यही पैसा आपको वेल्थ बना के देगा। काम तो आपको करना है, कोई हम मुगल खानदान से तो है नहीं है कि बड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है आपकी, बड़ा ज़्यादा राजपाट है। मेहनत तो हर बंदा करता है अमेरिका में, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो आपने कमाया वो गया किधर। जिसको ये मालूम नहीं है वो यहाँ सेविंग्स नहीं कर सकता, वो यहाँ रह नहीं सकता। घर पर तो माँ बाप हर चीज़ जो मांगोगे वो पूरी करते हैं, लेकिन जब अमेरिका जैसी कंट्री में आप आओगे ना, रियल वर्ल्ड को देखोगे, तो भाई जैसे कुत्ते बैठे होते हैं ना बोटी चाटने के लिए, खाने के लिए एकदम, कि बस मिल जाए खाना तो हम खा लेंगे, वैसा ही यहाँ पर है। अगर आप स्मार्ट नहीं बने तो आपका वॉलेट कब नेगेटिव में चला गया आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ आप सबके कमेंट के ऊपर। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर अमेरिका इतनी अमीर कंट्री है लेकिन फिर भी लोग गरीब के गरीब। तो अमेरिका अमीर है कोई डाउट नहीं, लेकिन गरीब आप अपनी गलती से हो गए, उसका ध्यान रख के। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन शको फटे। और हाँ, अमेरिका में सिर्फ दो ही लोग काम आते हैं, एक ऊपर वाला, दूसरे तुम खुद।